बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पटना स्थित सिपारा के ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसे में पटना वासियों का क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। कुमार विश्वास पीएम को हम तो थर होकर ट्वीट करते करते नीतीश को पीएम को ट्वीट किया, अभी तक वेंटिलेटर नहीं मिला। इंडिया के टॉप मोस्ट क्या कहते हैं कभी है। क्या बात आप कर रहे हैं, बिहार में आप समझते हैं हालात पे काबू हो गए। तीन प्लांट है बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान दो अलग अलग घटनाओं में 5 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। इस घटना में जहां 2 युवकों का शव बरामद किया जा चुका है, तो वहीं अन्य युवकों की तलाश लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है कि 5 युवक मुंडन संस्कार में शामिल होने गए थे, जिसके बाद गंगा में स्नान के दौरान यह हादसा हो गया। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। एक मुंडन था गांव में, वही सब गया नहाने का कार्यक्रम। कितने लोग नहा रहा था? 3 आदमी नहा रहा था, एक आदमी निकल गया, 2 आदमी डूब गए, एक आदमी तलाश जारी है। 3 लड़के थे, एक लड़के निकल गया, 2 लड़के डूब गया, अभी एक तो खोजबीन जारी, एक निकल गया। रहा है कि 4 लड़का डूबा था? नहीं, 3 डूबा था, एक निकल गया, 2 डूब गया। जमशेदपुर जिले के पोटका थाना क्षेत्र के मानपुर में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मायके वालों ने मृतका के पति और उसकी सौतन पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतका के परिजनों के लगाए गए आरोप पर पुलिस पति और सौतन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो वहीं इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली है।